अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। ज़ियोनी का Z6 सीरीज का PV8500 इस इन्वर्टर के अंदर वो कौन सा ऐसा फीचर डाला गया है जिसकी वजह से इस इन्वर्टर को लोग परचेज करने पर मजबूर हो गए हैं। इससे पहले अगर देखा जाए ज़ियोनी का डायमंड सीरीज भी आई थी 2023 मॉडल के अंदर ही। इसके अलावा अगर देखा जाए Z5 सीरीज, Z4 सीरीज और ये लास्ट पे Z6 सीरीज जो निकाली गई है, इस इन्वर्टर के अंदर जो ज़ियोनी का Z6 सीरीज का PV8500 है, इस इन्वर्टर के अंदर वो कौन सा ऐसा फीचर डाला गया है जिसकी वजह से लोग इस इन्वर्टर को परचेज करने पर मजबूर हैं। इस इन्वर्टर को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इस इन्वर्टर से क्या क्या चीजें निकलती हैं, इस इन्वर्टर के ऊपर लोड कितना डाल सकते हैं, पीवी कितने लगा सकते हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसके तमाम तरह डिटेल आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। सबसे पहले इसके डिब्बे को चेक कर लेते हैं। डिब्बे के ऊपर देखें Z6 सीरीज का मॉडल आया है PV8500। इसके अंदर जितने भी फीचर हैं ये सारे के सारे डिब्बे के ऊपर भी मैंशन है। इसके अलावा देखा जाए ये 6th जनरेशन वाला पाकिस्तान के अंदर पहला इन्वर्टर है। इसके अंदर वो जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपको दिखाया जाएगा। फ्रंट पे साइड पर अगर देखते हैं तो ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड ये सिस्टम है। इसके अलावा PV8500 ये Z6 सीरीज का मॉडल दिखाया जा रहा है। इसको करते हैं ओपन और ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। सबसे पहले पैकिंग आप चेक कर लें, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको पैकिंग को पैक किया गया है ताकि किसी किस्म का कोई भी मसला मसाइल ना आए। इसके अलावा अगर देखा जाए इसके अंदर से एक अदद निकलता है वारंटी कार्ड और इसके अंदर से यूज़र मैनुअल भी इसी के अंदर। इसके अलावा अगर देखा जाए एक साल की वारंटी होती है सर्विस की, बकाया आपको पता है ये चक्करबाजी होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए इसके अंदर से और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, इसको रखते हैं अभी हम साइड पर तो देखते हैं इसके अंदर से बकाया ये एक CD है और बकाया इसकी केबलिंग वगैरह इसी के अंदर होती है ताकि अगर आप लोग इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो देखना चाहते हैं उसके लिए होती है। तो ये देखें बहुत ही प्यारी शेप के अंदर आ रहा है ये PV8500 मॉडल Z6 सीरीज़ का। इसके ऊपर लोगो लिखा हुआ है, दरमियान में सेंटर में लिखा हुआ है ज़ियोनी का इसका मॉडल और लोगो लिखा हुआ है। सेंटर में अगर आप फ्रंट पर देखें तो यहाँ पर इसका टच स्क्रीन के साथ ये बटन आते हैं, ये छोटा सा इसका डिस्प्ले है, बहुत ही प्यारा इसका डिस्प्ले है। इसी तरह अगर आप लोग नीचे आ जाते हैं तो नीचे यहां पर आप एक साइड पे देखेंगे तो कोने पे आपको ऑन ऑफ का स्विच नजर आएगा, उसके साथ बैटरी का दो पॉइंट है ये पॉजिटिव नेगेटिव का है, साथ ही उसके ऊपर पीवी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके साथ जो सबसे अहम चीज है जो मैं आपको बता रहा था ये है 12 वोल्ट वाली ऑप्शन जो कि अभी आपको नजर आ रही है। इसके साथ अगर देखें तो डुअल आउटपुट है और साथ एक AC की आउटपुट है। इसी तरह इस इन्वर्टर के अंदर जो मैंने सबसे अहम आपको चीज बताई है वो यही है कि इस इन्वर्टर के अंदर 12 वोल्ट की ऑप्शन भी मौजूद है। आप लोग अगर अपने घर में 12 वोल्ट का लाइट पंखा वगैरह चलाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप लोग इस सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। इस चीज़ का फायदा आपको ये होगा कि आप लोगों को बैकअप ज़्यादा मिलेगा। बकाया ये जितने भी फीचर है आपको इसी वीडियो के अंदर बकाया बताते हैं। इसके अंदर डस्ट किट मौजूद है। आप लोग ज़ियोनी का Z6 सीरीज का PV8500 मॉडल अगर आप लोग ये इन्वर्टर परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं तो आप लोग अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर, तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग 2 इन्वर्टर AC चला सकते हैं, कुछ लाइटें, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊं अगर आप लोग अपने घर का सारा लोड मैनेज करके चलाते हैं तो आप लोग सारे का सारा लोड भी मैनेज करके चला सकते हैं, जिसके अंदर अगर देखा जाए आयरन आ जाती है, इसके अलावा अगर देखा जाए वाटर पंप आ जाते हैं, इसके अलावा ओवन आ जाता है, दीगर जितनी भी घर की अप्लायंसेज है आप लोग मैनेज करके इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। इस तरह अगर आप लोग मैनेज करके चलाएंगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल अगर बिजली का बिल देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा आ रहा है। इसी वजह से आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस सिस्टम को मैनेज करके चलाएं ताकि आप लोगों को इस चीज का फायदा हो। अभी बात कर लेते हैं ज़ियोनी का Z6 सीरीज का PV8500 के कुछ फीचर देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये पहला इन्वर्टर है जो कि 6th जनरेशन के साथ ये इन्वर्टर आया है। ये यूरोपियन डिजाइन के साथ ये इन्वर्टर डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए ये 8500 वाट तक सोलर पैनल इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। 6.5 किलोवाट तक इस सिस्टम के ऊपर आप लोग लोड डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए ये ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है और हाइब्रिड है, यानी कि आप लोग इस सिस्टम के ऊपर नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं, अपनी एक्स्ट्रा जनरेशन को वार्डा को सेल भी कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर देखा जाए आप लोग इस सिस्टम के साथ बैटरी लगाना चाहते हैं तो ये हाइब्रिड बन जाएगा। अगर आप लोग विदाउट बैटरी काम करेंगे तो ये आप लोगों का ऑन ग्रिड बन जाएगा। आप लोग इस सिस्टम के साथ नेट मीटिंग करवा के अपनी एक्स्ट्रा जनरेशन को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए ये बैटरी और विदाउट बैटरी काम करता है। अगर आप लोगों को बैकअप की जरूरत नहीं तो आप लोग इस सिस्टम के साथ बैटरी नहीं भी लगा सकते। अगर आप लोगों को बैटरी की जरूरत है यानी कि आप लोगों के एरिए के अंदर लाइट जाती है तो आप लोग इस सिस्टम के साथ बैटरी लगा के अपना बैकअप के तौर पे इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, पावर फैक्टर 1 के साथ आता है। अगर देखा जाए ये टच स्क्रीन के साथ आता है। अगर आप लोगों ने इसकी सेटिंग को चेक करना है या सेटिंग को सेट करना है तो इसके ऊपर जितने भी 2-3 बटन बने हुए हैं ये सारे टच स्क्रीन के साथ आते हैं। देखा जाए ये बिल्ट इन वाईफाई के साथ मौजूद है यानी कि आप लोग अपने घर में या दुनिया में कहीं पर भी बैठे हैं आप लोग अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं कि मेरे सोलर से जनरेशन कितनी हो रही है और घर में यूसेज कितनी हो रही है, इसी हिसाब से आप लोग अपने लोड को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए ये डुअल आउटपुट के साथ आता है, आप लोग अपने हैवी लोड और स्मॉल लोड को मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप लोग इस सिस्टम के ऊपर 2 AC भी चला सकते हैं। अगर आप लोग अपने हैवी लोड को मैनेज करते हैं आप लोगों के घर में अगर आप लोगों ने बैटरी यूज की हुई है तो उस चीज का आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोगों को बैटरी का बैकअप ज्यादा मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। ये भी बात कर लेते हैं पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज की, तो ये 120 वोल्ट से लेके 445 वोल्ट डीसी है यानी कि आप लोगों को इस सिस्टम के साथ कम से कम 3 सोलर पैनल लगाएंगे तो इसका MPPT ऑन हो जाएगा। अगर आप लोग 1500 वाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और आने वाले दिनों के साथ साथ इसी सिस्टम को इंक्रीज करना चाहते हैं, सोलर पैनल मजीद ऐड करना चाहते हैं तो फिर भी ये इन्वर्टर आप लोग परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। अगर देखा जाए सितंबर 2023 के अंदर इस सिस्टम की प्राइस आप लोगों को क्या मिलने वाली, इसकी प्राइस 3,09,000 रुपए के अंदर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।